हेलो फ्रेंड्स, मैं अभा खत्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काठियावाड़ी भजी की रेसिपी लेके आई हूँ। कुमुठिया भजी या इसे कोथमीर की भजी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम सामान से बनती है और बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुंभाड़िया भजी बनाने के लिए हमें चाहिए कोथमीर। जो मैंने 100 ग्राम कोथमीर लिए है उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ग्रीन चिली लिए मैंने 8 से 10 ग्रीन चिली लिए, उसे क्रश कर लिया है। लहसुन है 8 से 10, उसे भी क्रश कर लिया है। अदरक है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। बेसन 1 बाउल है, पिंच हल्दी, पिंच हींग और नमक स्वाद के अनुसार लिया है मैंने। और कुकिंग ऑयल लिया है मैंने भजी तलने के लिए। इसमें सामग्री बहुत ही कम है लेकिन फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग है फ्रेंड्स। आइए हम बनाते हैं भज्जी। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, अब ग्रीन चिली डाल देंगे, गार्लिक डाल देंगे, जिंजर डाल देंगे, हल्दी, हींग। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सॉल्ट डाल देंगे इसमें। अब सॉल्ट डाल के इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि धनिया अपना पानी छोड़ देगा। देखिए कैसा गीला होता जा रहा है ये मिश्रण हमारा। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, धनिया ने पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें बेसन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे हम। मिक्स कर लेंगे, हमें एकदम पतला घोल नहीं करना है इसका, सिर्फ हाथ से छोटी छोटी भज्जी गिरने लगे ऐसा ही घोल करना है। मैंने गैस पे ऑयल गरम करने रख दिया है, अब इसमें थोड़ा बेसन और जाएगा। मिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। सिर्फ भज्जी छूटे इतना ही पानी डालना है हमें। देखिए इस तरह से भज्जी छूटने लग जाए, इस तरह का पानी डालना है बस, इसे ज्यादा गीला नहीं करना है। हमारा भज्जी बनाने का मिश्रण रेडी है, अब मैं भज्जी बना लेती हूँ इसकी। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इस मिश्रण को इस तरह से हाथ में लेना है, थोड़ा ज्यादा मिश्रण हाथ में लेना है इस तरह से और थोड़े थोड़े करके भज्जी छोड़ना है बस इस तरह से। अनइवन डाल देना है हमें थोड़ा थोड़ा घोल। उस छोटी छोटी भज्जी इस तरह से छोड़ देना है हमें, आंच मीडियम कर देनी है। देखिए मैंने सारी भज्जी छोड़ दी है, अब इसे एकदम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट पका लेंगे, फिर बीच बीच में इस तरह से टर्न करते रहेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए हमारी भज्जी लाइट ब्राउन हो गई है तल के और कितनी अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है। ये रेडी है, अब मैं इसे सर्व निकाल लेती हूँ।
देखिए मैं इसी तरह से और भजी बना लेती हूँ। अब मेरी लास्ट भजी तला रही है, इसके साथ ही मैं ग्रीन चिली भी डाल दूंगी सर्व करने के लिए लास्ट में थोड़ी सी। ये ग्रीन चिली इसको भी तल लूंगी मैं, इसके साथ ग्रीन चिली और ऑनियन सर्व किया जाता है। देखिए अब हमारी ग्रीन चिली और भजी दोनों रेडी है, ब्राउन हो चुकी है भजी भी, अच्छी तरह से फ्राई हो गई है दोनों चीज। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और भजी को सर्व कर लेती हूँ। अब हमारी भजी को सर्व कर लेते हैं हम। एक डिश में मैं भजी ले लूंगी, जो हमने ग्रीन चिली तली थी वो ले लेंगे, और कुछ ऑनियन रिंग्स करके रखे थे मैंने वो ले लेंगे। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला था, तो लीजिए फ्रेंड्स रेडी हमारी काठियावाड़ी भजी की रेसिपी। ये बहुत ही कुरकुरी बनी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे टी टाइम स्नैक के रूप में भी बना सकते हैं, और कोई आपके घर गेस्ट आए तो भी आप बना सकते हैं इसे, या लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।